हेलो दोस्तों, आपका सुषमिता चैनल में। कहो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटी एकदम ठेले वाले चाट की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गैस चलाकर पैन में हमने 2 कप पानी को रख दिया है गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी गर्म हो गई है, उबलने लगी है। जब पानी उबलने लगे तब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है 1/2 कप चीनी। 2 कप हमने पानी लिया था तो 1/2 कप हमने चीनी लिया है। चीनी को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेना है। उबाल आने के बाद आपको चीनी को चेक कर लेना है, चीनी अच्छे से पानी के साथ घुल जानी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर उबाल आ गई है, चला कर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब आपको इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। 1/2 चम्मच लगभग आपको यहाँ पे ऐड कर देना है भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी रोस्टेड जीरा पाउडर। आपको यहाँ पे ऐड कर देना स्वाद के हिसाब से काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट है। नमक और मसाले सारे आपको पानी के हिसाब से लेना है। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच भर के मैंगो ड्राई पाउडर यानी अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जब अमचूर पाउडर डालें अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लें और गैस को थोड़ी देर के लिए स्लो कर दें। 1/2 चम्मच आपको यहाँ पे ऐड कर देना है चाट मसाला। एकदम थोड़ा सा आपको डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर, जितना तीखा स्पाइसी आपको पसंद हो। गैस को स्लो रखिए और सारे मसालों को अच्छे से पानी के साथ मिला लीजिए। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम पानी को अच्छे से पका लेंगे। तो 1 उबाल आ गई है। अब आपको क्या करना है, गैस को स्लो कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए यानी 1 मिनट के लिए आपको स्लो फ्लेम पे पका लेना है। जैसे आपको लगे पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई है तो गैस को आपको बंद कर देना है, लेकिन बीच में आपको इसे 1 से 2 बार चला भी देना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से चलाते हुए हमने पानी को पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया और इसे हमें ठंडा करना है। इसे हम साइड में रख देते हैं, ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे गैस चला कर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई हमने गरम कर लिया। कढ़ाई जब गरम हो जाए तब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है 1 से 1.5 चम्मच लगभग देसी घी। देसी घी ही लेना है चाट बनाने के लिए। घी को भी अच्छे से आपको गरम कर लेना, मेल्ट कर लेना है। जब घी गरम हो जाए तब आपको यहाँ पर डाल देना है 1/2 चम्मच लगभग जीरा। तो जीरा भी हमने घी में डाल दिया है, एक बार चला देंगे और जीरा को भी हम हल्का सा लाल कर लेंगे। जब जीरा लाल हो जाए तब आपको यहाँ पे डाल देना है कुछ हरी मिर्च बारीक कटे हुए और 1 चम्मच लगभग अदरक। तो अदरक को छील कर अदरक हमने बारीक कद्दूकस कर लिया, हरी मिर्च हमने 3 लिया था। ये सबको भी हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा लाल कर लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस अदरक को हमें हल्का सा पका लेना है। अदरक को पकाने के बाद गैस को स्लो कर दीजिए और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम आपको हल्दी पाउडर डाल देना है और जितना तीखा स्पाइसी आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिए लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपने गैस को तेज़ रखा, हल्दी आपने डाल दिया तो हल्दी जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप हल्दी डालें तो गैस को स्लो ही रखें। यहाँ पर हमने हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपको यहाँ पर डाल देना है बारीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर हमने 7 लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे और टमाटर आपको एकदम पके हुए लेना है। टमाटर को हमने अच्छे से धो लिया। फिर धोने के बाद हमने टमाटर को बारीक कट कर लिया, एक बार चला देंगे। साथ में हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जल्दी से गल जाएंगे, पक जाएंगे। नमक डालकर फिर एक बार चला देंगे और कढ़ाई को आपको एक प्लेट से ढक देना है। ढकने से जल्दी से टमाटर आपके पक जाएंगे। तो कढ़ाई को हमने प्लेट से ढक दिया था और इसे फिर चला देंगे और इसी तरीके से ढककर हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जब आप टमाटर को ढककर पकाएंगे टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, पक जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर को हमने अच्छे से पका लिया है। अगर आपके पास आलू मैसर है तो आप आलू मैसर से भी टमाटर को मैश कर सकते हैं और जल्दी से पका सकते हैं। जब आप पके हुए टमाटर लेंगे ना, टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। इसलिए जब भी कोशिश करिए जब आप चाट बनाएं टमाटर आपके पके हुए होने चाहिए। अब आपको इसमें ऐड कर देना है आलू। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। आलू को बॉयल करके छिलके निकाल कर आलू को हमने बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया था। मैश नहीं करना है यानी बारीक नहीं तोड़ना है, इसे आपको बड़े टुकड़ों में ही तोड़ना है। कर लेंगे, मिला लेंगे। आलू टमाटर अच्छे से मिल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हम आलू को नहीं बारीक करेंगे। इससे ज़्यादा आलू को बारीक करेंगे तो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी आलू का टेस्ट नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे डाल देना है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। जब आप मसाला डालें तो गैस को स्लो कर दें। 1/2 चम्मच लगभग आपको यहाँ पर ऐड कर देना है गर्म मसाला जो हम सब्ज़ी में यूज करते हैं। तो सारे मसाले आपको टमाटर और आलू के हिसाब से लेना है। 1/2 चम्मच आपको यहाँ पे डाल देना है चाट मसाला।
और थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाल देना है काला नमक। नमक हमने पहले भी टमाटर को पकाते समय डाल रखा था, इसलिए नमक थोड़ा सा आप कम डाल लें। एकदम थोड़ा सा हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को, मसाला को आलू टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेना है। गैस को अब हमने मीडियम कर दिया है, तो सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अभी आप देख रहे हैं चाट हमारी काफ़ी गाढ़ी है। अब आपको यहाँ पे डाल देना है पानी, क्योंकि चाट खाने में पतले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए आप यहाँ पे अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो पहले हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, एक बार मिला लेंगे। फिर यहाँ पे हम आधा गिलास लगभग पानी और डाल देंगे। पानी आपको नॉर्मल लेना है, तो आप हमने आधा गिलास पानी और ऐड कर दिया, मिला देंगे और कढ़ाई को प्लेट से ढक देंगे। गैस को लो टू मीडियम कर देना है और थोड़ी देर के लिए चाट को और पका लेना है। गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं चाट में टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए गैस को लो टू मीडियम करना है, धीमी आंच पे इसे पकने देना है। जैसे आपको लगे चाट हल्की सी गाढ़ी हो गई है तो गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे चाट बन चुकी है, आप देख सकते हैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, क्योंकि जो टमाटर आलू के चाट होते हैं ना हल्की सी पतली ही अच्छी लगती है। तो गैस को हमने बंद कर दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ मसाले डाल देने हैं। आधा चम्मच हमने डाल दिया भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डाल देंगे, अगर आपके पास पुदीना पत्ती है तो पुदीना पत्ती भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। 1.5 से 2 चम्मच आपको डाल देना है नींबू का रस, नींबू का रस आपको ज़रूर डालना है। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप आधा चम्मच चाट मसाला डाल दें। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, तो चाट बनकर तैयार है। गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया था, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही औसम बना है। अब इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमने प्लेट ले लिया है, प्लेट में हम चाट को निकाल लेंगे। फिर आपको ऊपर से डाल देना है भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी डाल दीजिए। जो आपने मसाले वाले पानी तैयार किए थे ना खट्टी मीठी, आप उसे भी 1.5 से 2 चम्मच डाल दें, जितना आपको खट्टा मीठा पसंद हो। इस तरीके से जब आप घर पे चाट बनाएंगे तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। यकीन मानिए मार्केट जाना छोड़ देंगे, बहुत ही लजीज, बहुत ही औसम बना है। कटे हुए प्याज डाल दीजिए, कुछ फेवरेट नमकीन डाल दीजिए जो आपको पसंद हो। इस तरीके से यहाँ पे हमने गर्मा गर्म आलू टमाटर की चाट बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम आपको इस तरीके से चम्मच में लेके दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, आप देखने से लग रही है हमारी चाट कितनी टेस्टी बनी है। हमने दूसरा प्लेट भी तैयार कर लिया। अगर आपकी रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।